बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का राशिफल, आज का यानी कि 29/7/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आज का दिन आपके लिए किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहने वाला है। दोस्तों, आज सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष, इस समय आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही आपको शत्रु संबंधी परेशानियों से भी निजात मिलने की संभावना है। इस दौरान होने वाली यात्राएं भी सफल रहने के संकेत हैं। वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्क रहें, आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय फिजूल खर्ची करने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। व्यवसाय से मिलने वाले लाभ के अपेक्षा अनुसार थोड़ा कम हो सकता है। नई जिम्मेदारियों से एक दबाव भी आपके ऊपर महसूस हो सकता है। भाग्यशाली रंग जो है वो है लाल और भाग्यशाली संख्या जो है वो है 4। मेष के बाद अब बात आती है वृषभ राशि की। संतान की प्रति भी आपकी चिंताएं कम हो सकती है। जो जातक कामकाज के लिहाज से पिछले कुछ समय से बाहर जाना चाहते थे, उनकी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए समय अनुकूल हो सकता है। आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। आपके प्रतिस्पर्धियों को भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। भाग्य का सहयोग इस समय आपको कम ही मिलने वाला है। यदि निवेश करने की कोई पूर्व नियोजित योजना आपने बना रखी है, तो आपके लिए धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 8। वृषभ के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। यदि निवेश करने के इच्छुक हैं, तो प्रॉपर्टीज, शेयर मार्केट आदि में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस समय लाभकारी रह सकता है। इस समय आप स्वयं को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि पिछले कुछ समय से परेशान रह रहे हैं, तो इस समय सेहत में बेहतर बदलाव हो सकता है। यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्रा के दौरान फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश भी करें। विद्यार्थी व शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कठिनाई भी आ सकती है। आपके रोमांटिक जीवन में साथी से यदि तनातनी चल रही है, तो इस समय समाप्त हो सकती है। लाभ प्राप्ति के भी योग हैं। आज का जो भाग्यशाली रंग है वो है पीला और भाग्यशाली अंक जो है वो है 5। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? भौतिक सुख साधनों का भी आपको पूरा आनंद मिलने के आसार हैं। इस समय आप अपने विरोधियों को परास्त करने में समर्थ हो सकते हैं। स्वयं ही सेहत भी बेहतर बनी रहने के आसार हैं। नौकरी, व्यवसाय आदि के में उन्नति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपको मिलने के आसार हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना संभव हो व्यर्थ के विवादों में ना उलझे। विपक्षियों, प्रतिस्पर्धियों के मुंह ना ही लगें तो बेहतर होगा। कार्यस्थल पर भी आपके अपने काम में लगे रहें। भाग्यशाली रंग जो है काला और भाग्यशाली अंक जो है वो है 3। कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? इस समय कार्यस्थल पर आपके काम को, आपकी मेहनत को दर्ज किया जा सकता है। कह सकते हैं कि कार्यस्थल पर आपकी अहमियत समझी जाएगी। आपको भी अच्छे और बुरे की पहचान करने का अवसर मिल सकता है। भाग्य का आपको प्रबल साथ मिलने की उम्मीद है। भाग्य के भरोसे न बैठें, कर्म में विश्वास रखें। भाग्य के भरोसे न बैठें, कर्म में विश्वास कीजिए। लाभ मिलने के आसार तो बनेंगे, हालांकि इनमें बाधाएं भी खड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, हर पहलू पर आपको सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। आपके जीवन में ठहराव आ सकता है। हो सकता है कि सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी आप उनका लुत्फ ना उठा सकें। भाग्य का साथ भी हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन अपने जीवन साथी का हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होना आपको सुकून दे सकता है। आपके लिए जो भाग्यशाली रंग है वो है गुलाबी, भाग्यशाली अंक जो है वो है 1। सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आइए आपको बताता हूँ। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय से भूमि, वाहन आदि खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस समय एकदम उचित है। इस समय आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दे सकते हैं। विवाहित व संतान सुधा जातक संतान को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। संभव है कि यह
चिंता उनकी शिक्षा से संबंधित हो। जीवन साथी के साथ भी घर में खींचातानी रह सकती है, व्यवसाय में भी लाभ के अवसरों में कमी महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर के यह समय आपके संचित धन में ही सेंध लगा करके खर्च करवाएगा। हालांकि रोमांटिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। जिन बाधाओं का आपको सामना करना पड़ा वह भी दूर हो सकता है। जीवन साथी को लेकर के जो को लेकर के आप इस समय चिंतित हो सकते हैं। भाग्यशाली अंक जो है वह है 7 और भाग्यशाली रंग जो है वह है लाल। कन्या के बाद अब बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए आपको बताता हूँ। यह समय आपके पलड़े को भारी करने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से सेहत में गिरावट महसूस कर रहे हैं तो इस समय राहत मिल सकती है। साथ ही व्यावसायिक तौर पर आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भी हावी हो सकते हैं। किसी शुभ कार्य में धन खर्च होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्व से निवेशित धन से भी हो सकता है आपको अपेक्षित लाभ ना मिले। आपको अपेक्षा अनुसार लाभ इस समय नहीं मिलने के आसार हैं। हालांकि यह स्थिति कुछ समय के लिए ही रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों के मामलों में आपके लिए समय सकारात्मक रहने के आसार हैं। सामाजिक रूप से भी आपका कद काफ़ी बड़ा हो सकता है। व्यवसायी जातकों को भी इस समय हानि का सामना करना पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग जो है वो है आसमानी और भाग्यशाली अंक जो है वो है 1। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए आपको बताता हूँ। शत्रुओं विपक्षियों प्रतिस्पर्धियों का पर आपका रुतबा कायम रहने के आसार है और उन्हें पछाड़ने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस दौरान आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। यदि भविष्य के लिए धन सहेज कर रखना चाहते हैं तो निवेश के लिए उत्तम समय है। इस समय धन निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब आप निवेश में या जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। आपकी आक्रामकता का सकारात्मक उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दांपत्य जीवन में सभी से आपका मन मुटाव हो सकता है। शारीरिक व्याधि वेदना आदि का भय होने के संकेत हैं। यह समय आपके लिए अतीत के अनुभवों को सीखने का समय है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है वो हरा और भाग्यशाली अंक जो है वो है 9। वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनुराशि की। धनुराशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा इस समय आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हावी रहेंगे। यदि कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं या फिर नई नौकरी की तलाश में हैं तो भाग्य आपके साथ रहेगा। व्यवसायी जातक भविष्य के लिए किसी योजना में धन निवेश कर सकते हैं। इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस समय आपको अपने कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। इस समय जीवन साथी या प्रेमी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो काम धंधे में आपको मुनाफा होने के भी उम्मीद हैं। आज के लिए जो भाग्यशाली रंग है वो है पीला और भाग्यशाली अंक जो है वो है 6। धनु के बाद अब बात आती है मकर राशि की। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। इस समय आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भी हावी हो सकते हैं। भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलने के आसार हैं। इस समय अनुचित अथवा जोखिम के कार्यों में धन की व्यय हो सकता है। धन की हानि हो सकती है जिससे आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद आपको मिल सकता है। कोई प्रेमी के वेश में आपको ठगने का प्रयास कर सकता है। इस हकीकत को नजर में रखिए ऐसा हमारा मानना है। इस समय भविष्य के लिए कुछ बचाने का विचार बन सकता है। आपका पराक्रम आपकी कार्य कुशलता पर हावी हो सकता है। आपकी सेहत अच्छी रहने के उम्मीद हैं। भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 5। मकर के बाद बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। व्यावसायिक रूप से समय आपके लिए अच्छा है। लाभ के लिए भी नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लंबे समय से यदि कोई काम अधर में अटलटका हुआ है तो उसे पूरा करने में एकदम आप जोर लगा सकते हैं और वो पूरा भी होगा। सुख सुविधाओं का अभाव आपको इस समय झेलना पड़ सकता है। माता के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। दांपत्य जीवन में भी कलह होने के आसार हैं। कुल मिलाकर के इस समय घरेलू जीवन में आपको घमासान का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी अनबन रह सकती है लेकिन प्रेम संबंध में प्रबलता रहेगी। कामकाजी जीवन में आपको धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशेषकर उदर संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। आज के लिए भाग्यशाली रंग है
किरम जी और भाग्यशाली अंक जो है वो है 8। कुंभ के बाद अब बात आती है मीन राशि की। मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? पदोन्नति की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, साथ ही लाभ प्राप्ति के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। यदि पिछले कुछ समय से निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यह समय निवेश के लिए एकदम उचित है। इस समय आपकी बचत राशि प्रभावित हो सकती है। खर्चा बढ़ाने से सेहत बचत में कमी आने के आसार हैं। छोटी छोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख होगा और मधुर संबंध होंगे। भाग्यशाली रंग जो है वो है बादामी और भाग्यशाली अंक जो है वो है 2। तो दोस्तों यही थी आज की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।